भैया। ये है बंसी भैया, इनकी है मुस्कान। रोज कॉलेज के बाद मेरा स्वागत करती है। अबे यार दुट्टा खत्म हो गया यार। अबे साले तेरे को कितनी बार कहा है छोड़ दे इसे, नहीं तो कुछ दिनों में तेरी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। अबे छोड़ना यार, वैसे भी साला अपने पैसे को थोड़ी पीता है। अरे हाँ पैसे से ज्यादा, तू मेरे पैसे कब दे रहा है? मैं दे दूंगा ना यार। कब देगा यार, एक महीना हो गया ऐसे। अबे यार क्या करता है यार, दे दूंगा ना यार। लोग मुझे समझ नहीं पाते या मैं लोगों को समझ नहीं पाता हूँ, वो मुझे घमंडी और कंजूस बताते हैं। क्या मैं ऐसा ही हूं? भैया। हाँ भैया। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं यार। अरे बताइए ना भैया क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ यार, ये काम तुम पैसों के लिए करते हो या खुशी के लिए करते हो? भैया ये छोटे छोटे जो फूल है ना भैया, हमें हमारे बच्चों की तरह लगते हैं। इन्हें पालना हमें अपनी जिम्मेदारी की तरह लगता है। और भैया जब ये बड़े होते हैं ना, हमारा दिन मान लो खिलखिला उठता है। और भैया घंटों बैठे रहते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं, मानो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा। और फिर भैया आप मिल जाते हैं, आप बहुत भले इंसान हैं, और फिर हमें अच्छा लगने लगता है भैया। चलो खुशी तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ पैसों का क्या? पैसों से तो ज़िंदगी चलती है। हाँ भैया पैसों का क्या करें भैया, इतना तो कमा ही लेते हैं कि दो वक्त की रोटी मिल जाए। और फिर ऊपर वाला है हमारे साथ, हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या करें भैया, कट जाता है। हेलो। हाँ पापा कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा मम्मी बात करना चाहती हैं, ठीक है देना फोन। हाँ मम्मी। हाँ, अंगूठी है मेरे पास। अरे हाँ मुझे पता है कि कुछ टाइम अंगूठी है, मैं संभाल के रखी हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। उस दिन पहली बार मुझे बंसी भैया नहीं दिखे। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। बंसी भैया के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो काम पर नहीं आ सकते थे, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। क्या बात है भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे भैया पहले मिठाई खाइए। अच्छा मिठाई दीजिए दीजिए। क्या हुआ भैया, इतना खुश क्या हो? भैया कुछ दिन से हमारी बिटिया बहुत बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर बोले कि बहुत रुपए चाहिए इलाज के लिए, हमारे पास रुपए नहीं था। लेकिन एक दिन तो चमत्कार ही हो गया भैया, पता है कोई एक महापुरुष आया, उसने हमारी इलाज के लिए पूरा रुपए दे दिया। भैया देखा ना, आप ही कहते थे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, आज आपकी मदद कर दी ना उसने। भैया बस दिक्कत कोई बात की नहीं है भैया, अगर उस महापुरुष के दर्शन नहीं हो पाए भैया बस। कोई बात नहीं भैया, जिसका अंत भला सब भला। चलो और भाई और बताओ भाई कैसे आना हुआ? अरे यार कुछ नहीं यार, आज क्लास छोड़ दिया मैम की, बहुत इम्पोर्टेंट। वो छोड़ यार, इस बार भी सेशन में भी 0 मार्क्स आ गए, अगले सेशन में पास होने के लिए फुल मार्क्स आ गए। अरे अबे
से अंगूठी कहाँ गई यार? अंगूठी? उस दिन मैंने जाना कि लोग मुझे नहीं, मैं लोगों को गलत समझता हूँ।